हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। EIM इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स क्लास नंबर 9 थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए लेकर हाजिर हैं। तो जो भी आपका दोस्त क्लास लेना आना चाहे वो क्लास लेना आ सकता है। और शुरू करते हैं क्लास। देखिए, पहले मैंने आपको बता दिया था कि जहाँ तक कल आपको लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था परसों, वो वोल्टेज वोल्ट मीटर अमीटर के टाइप्स थे, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप मैंने आपको पढ़ा दिए थे। तो मूविंग कॉइल दो प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ा दिया था, मूविंग आयरन दो प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ा दिया था। आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे कोई भी दिक्कत हो तो बता देना। अफजाल हुसैन, डेली क्लास होती है EIM की 11 बजे, ठीक है? 11 बजे आप डेली आओ, क्लास मिलेगी ज़रूर। बाकी लोगों से भी शेयर करो, अगर EIM की क्लास लेना चाहते हैं तो डेली 11 बजे आना पड़ेगा EIM की क्लास लेने के लिए, ठीक है? और इससे पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं, 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। आज जो है तीसरा चैप्टर स्टार्ट करा देंगे, क्लास नंबर 9 है, ठीक है? ओके गाइस, तो शुरू करते हैं क्लास। आप लोगों को मैंने मूविंग कॉइल का और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन सब बता दिया था, कहाँ कहाँ किस किस को यूज़ करते हैं इन डिटेल सब समझा दिया था आपको मैंने। अब जो हम पढ़ेंगे आज, हम उससे आगे की चीज़ पढ़ेंगे, और उससे आगे का टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। क्या है उससे आगे का टॉपिक? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। दरअसल क्या है कि आप लोगों ने अभी तक जितने भी ट्रांसफॉर्मर पढ़े हैं तो आप लोगों के मन में एक बात बैठ जाती है कि ट्रांसफॉर्मर तो हमारा वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, ये पावर को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो कुल मिला के वो तो एक वोल्टेज कन्वर्जन डिवाइस होगी, या वोल्टेज या पावर कन्वर्टिंग डिवाइस होगी। लेकिन सही बात तो यह है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस होती हैं। क्या होते हैं? विद्युत मापन यंत्र। आपको अगर मैं बोलूं कि हम एक करंट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू करंट को मेजर कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अटपटी सी बात है कि एक करंट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हम करंट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप लोगों ने जितने भी ट्रांसफॉर्मर वर्ड आज तक सुने तो उनमें हमेशा आपने यही सुना और यही देखा है कि ट्रांसफॉर्मर किसी भी चीज़ को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो मेजरिंग डिवाइस होती हैं जो कि हाई पावर पर यूज़ की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि वोल्ट मीटर होता है आपका, तो वोल्ट मीटर में कितने तक मिलेगा? मैक्सिमम 600 वोल्ट तक मिल जाएगा। एसी या डीसी का वोल्ट मीटर जो होता है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 600 वोल्ट तक मिल जाएगा। 0 से 600 वोल्ट, 0 से 300 वोल्ट, 0 से 150 वोल्ट, इससे ज़्यादा का नहीं मिलता कभी भी। वोल्ट मीटर जो होता है वो आपका 0 से 600 वोल्ट का ज़्यादा का कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप कैसे मेजर करेंगे फिर? और अगर हमारे पास हमारी जो लाइन तो होती है 132 kV की, 66 kV की, 1,32,000 वोल्ट की लाइन है, और हमारे पास वोल्ट मीटर है 600 वोल्ट का, कैसे मेजर करोगे? तब ये यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं कि हाई वैल्यू को लो वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर हमारे जो नॉर्मल वोल्ट मीटर और अमीटर होते हैं इनमें उनकी वैल्यू शो कराते हैं। फिर से सुन लीजिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर वो होते हैं जो किसी भी वोल्टेज या करंट की हाई वैल्यू को लो वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर जो हमारे अमीटर या वोल्ट मीटर लगे होते हैं इनके साथ वहाँ पर शो कराते हैं, ठीक है? अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा है कि जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेजर की जाने वाली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे वोल्टेज या करंट आदि का वैल्यू इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा हो जाती है तो उनकी रेंज को बढ़ाने के लिए शंट और मल्टीप्लायर का यूज़ किया जाता है, जबकि एसी सर्किट में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है।
डीसी सर्किट में अगर हाई वैल्यू को मेजर करना है तो शंटूर मल्टीप्लायर मेथड होते हैं, वो बाद में बता दूंगा। लेकिन एसी सर्किट में अगर किसी भी वोल्टेज या करंट की हाई वैल्यू को मेजर करना है तो दो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है, और वो होते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, सीटी और पीटी। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड सीटी पीटी, ये कोई पहली बार नहीं सुन रहे हैं। खैर आप तो फर्स्ट ईयर से निकल के आए हो अभी अभी, और ऊपर से क्लासेस भी आपकी नहीं चली स्कूल में, तो हो सकता है कि आप पहली बार ही सुन रहे हो। लेकिन वरना ये वर्ड बहुत कॉमन है, सीटी पीटी से आपका वास्ता हमेशा पड़ता रहेगा, हमेशा पूरी ज़िंदगी जब तक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें करते रहोगे तब तक आपका वास्ता सीटी और पीटी से पड़ता रहेगा, करंट ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर से पड़ता रहेगा। ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होते हैं ये सब स्टेशंस पर यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि सब स्टेशन पर ही हाई पावर होती है। अब ये सीटी पीटी आपके घर में तो यूज़ होगा नहीं, क्योंकि आपके घर में तो पावर कितनी सी है, आपके घर में 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट की पावर है, ज़्यादा से 5 किलोवाट की पावर है, तो आपके घर में तो ये यूज़ होगा नहीं सीटी पीटी। तो ये जो यूज होते हैं वो सब स्टेशन पर होते हैं हाई पावर के साथ, जहाँ पर जितनी ज़्यादा पावर हाई होती है वहीं पर ये सब स्टेशन क्या बोलते हैं सीटी पीटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब हम इस करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को डिटेल में पढ़ लेते हैं, और उसी के बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। बाकी सब लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। करंट ट्रांसफॉर्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को पढ़ लेते हैं डिटेल में, और उसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 आज खत्म होगा। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपका सीटी है और ये आपका पीटी है। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपका सीटी है और ये आपका पीटी है, ठीक है। ये देखिए ये आपका सीटी है और ये आपका पीटी है, इस तरीके से होते हैं देखने में। तो कहीं भी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिले तो देख के समझ जाना कि ये सीटी है और ये पीटी लगा है, ठीक है भैया। जैसे मान लीजिए कि आप कभी बिजली घर गए, बिजली घर मतलब इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन गए, या बिजली का बिल जमा करने या किसी भी और काम से अगर आप बिजली घर जाते हो, तो जहाँ भी आपको ये ऐसे दो स्ट्रक्चर दिखाई दें वहाँ पर आप ऐसे दो स्ट्रक्चर देख के समझ जाना कि वेट करो अभी शुरू होगी वीडियो। ओके तो शुरू हो गई है। तो मैंने आपको बताया कि ये सीटी और ये पीटी है, तो आप कहीं भी आपको अगर देखने को मिले ऐसा कोई सीटी पीटी का स्ट्रक्चर, तो आप जो देख के उसको समझ जाना कि ये वाला आपका सीटी और ये वाला आपका पीटी। जैसे कभी आप बिजली घर जाओ, बिजली का बिल जमा करने या किसी भी और काम से अगर कभी आप बिजली घर जाते हो, तो बिजली घर में ये दोनों स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सीटी वाला भी देखने को मिल जाएगा और ये पीटी वाला भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो सीटी का काम है हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करके, उस जो छोटे एमीटर आते हैं 10 एम्पियर या 15 एम्पियर तक, 20 एम्पियर तक एमीटर आते हैं आपके, तो ये वहाँ तक के उस रेंज में ला करके फिर उसको मेजर कराता है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके 600 वोल्ट तक के एमीटर आते हैं, वोल्ट मीटर आते हैं हमारे, तो उस रेंज तक को मेजर कराता है, ठीक है। देख लेना अच्छे से, ध्यान दिमाग में छाप लेना ताकि आगे आपके काम आए। अब करंट ट्रांसफॉर्मर का जो किताबों में आपको पढ़ना है वो तो कैसा दिखता है मैंने आपको दिखा दिया, अब जो किताबों में आपको पढ़ना है वो दिखाई देता हूँ, ठीक है। जो आप किताबों में पढ़ेंगे या नोट्स में पढ़ेंगे जैसा होता है वो आपको मैं अब दिखाई देता हूँ। देखिए करंट ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये प्राइमरी वाइंडिंग पे हाई करंट है, हाई करंट, और इधर इस हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट किया गया है इस करंट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर एक एमीटर लगाया गया है,
और वो एमीटर में ये जो हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट किया गया, फिर जो अमीटर लगा था उसमें हमने मेजर कर ली इसकी वैल्यू। अब नीचे वाले डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, सर्किट डायग्राम में एसी सप्लाई दी प्राइमरी को, सेकेंडरी के कम टर्न्स थे इसलिए हमने यहाँ पे अमीटर लगा दिया, और अमीटर के बाद वैल्यू कम हो गई उसी रेशियो में जिस रेशियो में अमीटर की मेजरिंग कैपेसिटी थी, और उसी उसी रेशियो में मेजरिंग कैपेसिटी के रेशियो में मेजर करने के बाद आपको वैल्यू मिल गई, जो कि बहुत, जैसे मान लीजिए कि 1000 एम्पियर करंट था, तो 1000 एम्पियर करंट को आप डायरेक्ट तो मेजर कर नहीं सकते, डायरेक्ट ऐसा कोई एमीटर नहीं बना जो आपकी डायरेक्ट 1000 एम्पियर करंट को मेजर करा दे, इसीलिए हमने सीटी का यूज़ किया और सीटी से करंट को स्टेप डाउन किया, फिर एमीटर लगा कर हमने उसको मेजर किया। तो अगर कभी भी आपको आपसे कोई पूछ ले कि सीटी और पीटी कैसी डिवाइस हैं, तो आप हमेशा अपने दिमाग में बना के रखिएगा कि सीटी और पीटी जो है वो मेजरिंग डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? मेजरिंग डिवाइस, मापन यंत्र है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस, विद्युत मापन यंत्र है आपके सीटी और पीटी। ओके गाइस, कोई भी इशू, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये आपका इसी का डायग्राम है, आप चाहो तो इस वाले डायग्राम को बना लेना, चाहो तो मत बनाना, आपका मन है, उसी का है प्राइमरी पे और उसके बाद सेकेंडरी पे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बनाए पतली तार के साथ, जिससे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा अगर, ठीक है ना, ये इसका रीजन हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन लिखी है कि करंट ट्रांसफार्मर हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। इस ट्रांसफार्मर की क्वाइल, प्राइमरी क्वाइल को 1 से 50 टर्न पर दी जाने वाली हाई करंट और सेकेंडरी क्वाइल को बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं। देखिए, प्राइमरी क्वाइल में कम टर्न्स होते हैं और मोटा तार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइमरी कॉइल में जब मोटा तार रहेगा तो रेजिस्टेंस उसका कम रहेगा, और रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा करंट की वैल्यू उतनी अच्छी जाएगी प्राइमरी में, और सेकेंडरी में ज़्यादा तार, ज़्यादा टर्न्स होते हैं, पतला तार होता है। क्यों होता है उसका ऐसा रीज़न? क्योंकि जब ज़्यादा टर्न्स रहेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, पतला तार रहेगा तब भी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या हो जाता है आपका? करंट कम हो जाएगी, इसीलिए सेकेंडरी बाइंडिंग में करंट कम मिलती है। तो यहाँ से एक लॉजिक बना कि प्राइमरी बाइंडिंग की जो कॉइल होती है वो कम टर्न्स की और मोटे तार की बनी होती है, और सेकेंडरी बाइंडिंग की जो कॉइल होती है वो पतले तार की और ज़्यादा टर्न्स की बनी होती है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में इसका जस्ट उल्टा होगा, उसमें पहली वाली पतले तार ज़्यादा टर्न से बनेगी और दूसरी वाली कम तार से, वो मोटे तार से कम टर्न से बनेगी, ठीक है नहीं? चलिए आगे पढ़ते हैं। इसको लिखा है कि इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल्स को कम टर्न्स पर वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। सही है, वोल्टेज कम टर्न्स रहेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा और करंट डायरेक्ट जाएगी सीधा सीधा, पूरी की पूरी वैल्यू करंट की मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। सेकेंडरी कॉइल को ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न के साथ बनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसके पीछे का रीज़न यही है कि उसकी करंट की वैल्यू को डाउन किया जाता है, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बनाया, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाएगा टर्न्स तो रेजिस्टेंस, और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। आगे क्या है उसके बाद? फिर उसमें एक 5 एम्पियर के रेशियो में, 5 एम्पियर का एमीटर लगा होता है इसके साथ, 5 एम्पियर की रेंज वाला, तो उसी की रेशियो में कन्वर्ट करके 5 एम्पियर वाले एमीटर पर शो करा देते हैं, और लिखा होता है कि रेशियो क्या, जैसे रेशियो है 1:100, तो अगर आपका 4 एम्पियर शो हो रहा है तो उसका मतलब 400 एम्पियर। 1:100 का मतलब है कि अगर आपका 4 एम्पियर एमीटर में शो हो रहा है, इसका मतलब रियल में कितनी है? 400 एम्पियर। इस तरीके से होता है। क्लियर? कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हो कहीं भी, कभी भी, बाकी लोगों से शेयर कर सकते हो। ये आपका क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है बस, ठीक है ना। अब सेकेंडरी वाइंडिंग जो आपके करंट ट्रांसफार्मर की नोट्स की पीडीएफ को भी भेज देंगे ग्रुप में, टेंशन ना लो। जो करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उस पर ध्यान रखिएगा, हमेशा एक लोड जरूर लगाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी भी, ऐसा ध्यान रखिएगा, कभी आपसे अगर कोई पूछे कि क्या हम सीटी को बिना लोड के यूज़ कर सकते हैं, मैंने जो आपको 10-10 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप, आपने, आप में से बहुत कम लोगों ने 10-10 क्वेश्चन बना के सेंड किए हैं, वो तो वो 10-10 क्वेश्चन बना के सब सेंड कर दो, उससे आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी भाई। मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आप ही लोगों का फ़ायदा है। जैसे अब मैं बता रहा हूँ कि सीटी को, जैसे पहला क्वेश्चन कि सीटी को क्या कभी नो लोड पर स्टार्ट किया जा सकता है, हाँ या नहीं,
तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि नो लोड पर अगर कभी भी सीटी को स्टार्ट कर दिया तो नो लोड पर स्टार्ट करने से ओपन सर्किट हो जाएगा और ओपन सर्किट के कारण उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं होने के कारण उसमें एक बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसके कारण उस पर काम कर रहे व्यक्ति को एक बहुत ही तेज इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि झटका लग सकता है। समझ में आई बात? कभी भी सीटी को विदाउट लोड हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, नो लोड पर कभी यूज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे उसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया। तो करंट ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है जो कि हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद अमीटर लगा होता है उसकी रेंज में ला करके उस हमको मेजर कराता है, दिखाई देता है वैल्यू शुरू। ठीक है, चलिए आगे है कि यदि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन हो जाती है और बेकार ना हुई हो तो उसे स्टार्ट करने से पहले डीमैग्नेटाइज करना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से लोड हट गया किसी कारण से, या तो बेकार हो जाएगी, और अगर बेकार नहीं हुई तो पहले उसे डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें जैसे हम स्टार्ट करेंगे वो बाइंडिंग चल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट बता दीजिए। अब हम करते हैं बात पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, करंट ट्रांसफॉर्मर में या तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, इसका मतलब किसी को कोई भी डाउट नहीं है करंट ट्रांसफॉर्मर में। अब आते हैं हम पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर पर। तो जैसा कि मैंने करंट ट्रांसफॉर्मर के साथ साथ ही बता दिया है आपको पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर की कहानी, सब लोग लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो। तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो हाई वोल्टेज पर मेजरिंग वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है। हाई वोल्टेज पर वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है कौन सा? पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। जैसे इससे क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे कभी कोई पूछ ले कि हाई वोल्टेज पर वोल्टेज मेजर किया जाता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, वोल्टमीटर के थ्रू, अमीटर के थ्रू, वोल्टमीटर के थ्रू, तो आप कहेंगे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया करो ताकि आपके बाद में इन फ्यूचर काम आ सके। जब आप पढ़ाई कर रहे हो थोड़ी ढंग से पढ़ाई करो। ठीक है भाई, जब पढ़ाई कर ही रहे हो तो थोड़ी ढंग से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं। तो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर है, वो एक ऐसी मेजरिंग डिवाइस है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद एक एमीटर लगा होता है, वो एक वोल्टमीटर लगा होता है, और वो वोल्टमीटर क्या करता है, वो वोल्टमीटर जो है आपका उस वोल्टेज जो लो आया है उसको मेजर करके आपको वैल्यू शो करा देगा। अनम बी कह रही है एक बार बता दीजिए प्लीज़। चलिए बता देते हैं। देखिए, करंट ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। करंट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी क्वाइल, पता है इतने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, लेकिन आप लोग पता नहीं तब भी क्यों क्वेश्चन नहीं बनाते हो। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि करंट ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी क्वाइल किस प्रकार के तार से बनी होती है, मोटे तार से, पतले तार से, या किसी भी तार से? तो आंसर है ऑलवेज मोटे तार से। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल को मोटे तार से कम नंबर ऑफ टर्न के साथ बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसमें करंट की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फ्लो हो सके। और करंट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल को पतले तार के कम नंबर ऑफ टर्न से बनाया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसका रेजिस्टेंस हाई हो सके और करंट की वैल्यू को लो किया जा सके। फिर उसके सेकेंडरी वाइंडिंग के बाद एक एमीटर लगा होता है, और वो जो एमीटर लगा होता है वो आपका वैल्यू को रीड करके मेजर करता रहता है उसके अकॉर्डिंग, जो उसका रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये आपका पूरी वर्किंग थी करंट ट्रांसफॉर्मर की। कोई भी डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी आप पूछ लो, मैंने दोबारा बता दिया है ना। ये आपका पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको आगे पढ़ लेते हैं हम।
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज एसी सर्किट में बहुत हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसे प्राइमरी कॉइल को ज्यादा, जैसा कि देखिए ये ना करंट ट्रांसफार्मर का जस्ट उल्टा है। अगर आपने करंट ट्रांसफार्मर पढ़ लिया तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर का जस्ट उल्टा है, ठीक है ना। तो अगर करंट, तो आपने अगर करंट ट्रांसफार्मर पढ़ लिया है तो जो जो बातें उसमें थी उसका उल्टा उल्टा आप इसमें लगाए जाओ पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल भी हो जाएगा साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न के साथ बनाया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को कम नंबर ऑफ टर्न के साथ बनाया जाता है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में पतला तार रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में मोटा तार रहता है। प्राइमरी वाइंडिंग को इसलिए करते हैं ताकि करंट की वैल्यू कम से कम रहे और वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए, और सेकेंडरी वाइंडिंग को रेजिस्टेंस कम कर देते हैं ताकि करंट की वैल्यू ज़्यादा आए वोल्टेज की वैल्यू कम आए, और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग ही वोल्टेज कम से कम मिलेगा देखने को। क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, पावर तो कभी कम होती नहीं, करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम है, ठीक है। नहीं समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका वोल्ट मीटर का सर्किट डायग्राम है, आप इसी को बनाना। जब आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो उसको मत बनाना, इसको बनाना। ये 13.8 केवी से सीधा 0 से 120 वोल्ट के वोल्ट मीटर की रेंज में इसने ले आया है, ठीक है। नहीं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कन्वर्ट करके, कोई दिक्कत कोई परेशानी बता दो मुझे आप। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। अब चैप्टर नंबर 3 वोल्ट मीटर एंड मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर शुरू हो गया है। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वोल्ट मीटर वो शुरू हो गया है। चैप्टर नंबर 2 यानी कि आज जो पढ़ाया सीटी और पीटी में, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। सीटी पीटी में करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की वर्किंग में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आपको वर्किंग इस तरीके से आ गई हो कि आप जो है किसी को भी एक्सप्लेन कर सको, तो इस तरीके से वर्किंग आ गई हो आपको, ध्यान रखिएगा। वर्किंग आपको इस तरीके से आ गई हो कि आप किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सको, तो उसको इस तरीके से जब तक वर्किंग ना आए तब तक आप डाउट हमेशा रखे रहना। कोई भी डाउट हो आप पूछ लो, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वोल्टमीटर एंड मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। बाकी लोग जो पढ़ने नहीं आ रहे हैं वो कभी नहीं जान पाएंगे कि करंट ट्रांसफार्मर के बारे में इतनी सारी बातें, जैसे करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल किस तरीके से बनी होती है, सेकेंडरी कॉइल किस तरीके से बनी होती है, ये सब बातें वो कभी नहीं जान पाएंगे यार, क्योंकि वो क्लास लेने नहीं आ रहे। खैर जो आएगा वो पाएगा, ये वाला सिद्धांत है अपने को। आप आए हो तो आप जरूर लेके जाओ। ओके वोल्ट मीटर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक आपने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े वो पढ़े हैं वोल्ट मीटर और एमीटर। पहले आप वोल्ट मीटर का जान लो कि वोल्ट मीटर जो है होता क्या है। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करने के लिए होता है एमीटर। तो वोल्ट मीटर क्या काम करता है, वोल्ट मीटर करता है पावर को मेजर, इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करता है आपका वोल्ट मीटर। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन जान लीजिए। इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल वर्क को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम ले लें तो इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। दूसरे टर्म्स में जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, जब हम वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पावर बन जाती है। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल करंट। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी बता दो। अब लिखा है वोल्टमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जो किसी लोड द्वारा ली गई इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करता है। उसे वोल्टमीटर की सर्किट की एवरेज पावर को वोल्ट्स में कन्वर्ट करके मेजर किया जाता है। तो वोल्टमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जो किसी लोड द्वारा ली गई इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करता है, और वोल्टमीटर पूरे सर्किट की एवरेज पावर को वाट में कन्वर्ट करके मेजर करेगा, ठीक है ना। जैसे वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई होगी वोल्ट मीटर या पावर। पी बराबर बी आई फॉर्मूला, बिल्कुल सही कह रही हो गौरव बनिया कि पी बराबर बी आई फॉर्मूला, ठीक है। अब वोल्ट मीटर जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में क्या आपको केवल एक ही पढ़ना है और वो है डायनेमो मीटर टाइप। लेकिन तीनों टाइप बता दूंगा क्या क्या होते हैं। इंडक्शन टाइप होता है, डायनेमो मीटर टाइप होता है और इलेक्ट्रो स्टेटिक टाइप होता है।
तीन है, इंडक्शन टाइप, डायनेमोमीटर टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप। तो इंडक्शन टाइप में क्या है कि आपका प्राइमरी से सेकेंडरी पे जो पावर ट्रांसफर होती है बिना किसी वायर के हो जाती है। और डायनेमोमीटर टाइप में क्या है कि जो आपको मैंने कल डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट सिखाए थे जो लास्ट लेक्चर हुआ था, उसमें मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट थे, तो मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट में आपको मैंने डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट सिखाए थे, तो बस वो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के आधार पर ही ये डायनेमोमीटर टाइप पावर पावर वोल्ट मीटर का सिद्धांत है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वोल्टमीटर जो होते हैं वो आपके रहते हैं जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है नहीं, तो ये सब आएगा बाद में सिलेबस में, होगा तो जरूर पढ़ाएंगे, फिलहाल आपके सिलेबस में है केवल डायनेमोमीटर टाइप वोल्टमीटर। तो डायनेमोमीटर टाइप वोल्टमीटर पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वोल्टमीटर देखने में ऐसा होता है ताकि आप इंस्ट्रूमेंट को देख के पहचान लो, क्योंकि आप में से बहुत से लोग तो अभी पहचानते ही नहीं है कि वोल्टमीटर कैसा दिखता है और वोल्टमीटर कैसा दिखता है, मीटर कैसा दिखता है। तो आप सब लोगों की नॉलेज के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि वोल्टमीटर ऐसा दिखता है, जैसा आपकी स्क्रीन पर सामने आप दो कंपोनेंट देख पा रहे हो, ये दोनों के दोनों वोल्टमीटर हैं, ये भी वोल्टमीटर है और ये भी वोल्टमीटर है। और एक सबसे मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर वोल्टमीटर ऐसे होते हैं जो एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं। वोल्टमीटर कभी भी एसी और डीसी के अलग अलग नहीं आते, ज़्यादातर वोल्टमीटर एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वोल्टमीटर एसी और डीसी दोनों पर काम करते हैं और ये रहते हैं आपके डायनेमोमीटर टाइप। और डायनेमोमीटर टाइप किसका हिस्सा है? मूविंग कॉइल का। तो ये आप इसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको कह सकते हो अगर आपसे कोई क्वेश्चन बनाए कि वोल्टमीटर किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मूविंग कॉइल या मूविंग आयरन, तो आप आंखें बंद करके कह देना मूविंग कॉइल टाइप, क्योंकि सारे के सारे डायनेमोमीटर टाइप होते हैं। डायनेमोमीटर टाइप किसका हिस्सा है? मूविंग कॉइल का। ठीक है, ये आपका वोल्टमीटर है। इसमें देखो ये टर्मिनल आप देख पा रहे हो, ये वाले टर्मिनल, ये इतने सारे टर्मिनल जो है इनको आप देख पा रहे हो शायद, तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको कि ये टर्मिनल क्या क्या काम करते हैं। ये वाले सब टर्मिनल देखिए, ये आप देख पा रहे हो, उस पर लिखा है 300 वोल्ट, इस वाले पे 300 वोल्ट, 150 वोल्ट और लिखा है यहाँ पे 250 वोल्ट या कुछ कम 75 वोल्ट लिखा है, 75 वोल्ट लिखा है। तो ये जो आपने तीन ब्लॉक बनाए, मैंने इधर 300 वोल्ट, इधर ढाई, इधर 150 वोल्ट, इधर 75 वोल्ट। तो ये क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि वोल्टमीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है। सोनू ऑफिशियल, बढ़िया सोनू। देखो सबसे पहली बात तो ये कि आप सर्किट में वोल्टमीटर को कनेक्ट किस प्रकार करो, ये एक बहुत ही अच्छा लॉजिकल फंडा है कि मुझे लगता है कि आप लोगों में से अगर कोई नहीं जानता होगा वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो आपके सीनियर्स पास होकर निकल गए उनमें से भी बहुत कम लोग जानते हैं कि वोल्टमीटर को कनेक्ट किस प्रकार किया जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वोल्टमीटर को किस प्रकार कनेक्ट किया जाता है। तो मैं आपको आज वोल्टमीटर को कनेक्ट करना सिखाता हूँ। देखिए जरा, देखिए वोल्टमीटर में चार पॉइंट होते हैं हमेशा, एक एम, एल, सी और बी। ये होता है एम, ये होता है एल, ये होता है सी और ये होता है बी। अब ये मैं सोच रहा कि एम, एल, सी भी ये इसी फॉर्म में मिलेंगे जैसे मैंने बनाए हैं, किसी भी फॉर्म में मिले, लेकिन आपको चार पॉइंट जरूर मिलेंगे एम, एल, सी, बी। एम का मतलब होता है हमारे पास मेन, एल का मतलब होता है लाइन, सी का मतलब होता है कॉमन और बी का मतलब होता है वोल्टेज। नोट कर लेना ये, ना तो देखिए ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना तो आपको नोट्स में मिले ना किसी बुक में लिखी हुई मिले, तो ये केवल हमारे द्वारा मुंह से ही बताई हुई बात है, जो वीडियो देख रहा है उसी को पता लग पाएगी। एम का मतलब होता है लाइन, एल का मतलब एम का मतलब होता है मेन, एल का मतलब होता है लाइन और सी का मतलब होता है कॉमन और बी का मतलब होता है वोल्टेज। हमें हमेशा केवल अपने वोल्टमीटर में इन्हीं चार टर्मिनल्स पर कनेक्शन देने होते हैं हमेशा, इसके आगे किसी भी चीज़ को कनेक्शन नहीं देना होता, कभी भी नहीं। दूसरी चीज़, जैसे आपको बताया था कि वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दरअसल वोल्टमीटर को भी पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं, लेकिन सीरीज पैरेलल का मिक्स कॉम्बिनेशन होता है। देखना कैसे? क्योंकि वोल्टमीटर में भी दो टर्मिनल थे,
अब मीटर में भी दो टर्मिनल थे लेकिन वोल्ट मीटर में चार टर्मिनल, और वायर है हमारे पास दो, एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा। अब इन्हीं दो वायर्स को कनेक्ट करना है, इन चार से कैसे करोगे? केवल इन दो वायर्स को, ये रहा फेस का वायर, ये फेज वायर और ये न्यूट्रल वायर, बस इन्हीं दो वायर्स को इन चार टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ध्यान से सीख लेना, आपको किसी भी बुक में ये देखने को नहीं मिलेगा भैया, गारंटीड बता रहा हूँ मैं, किसी भी बुक में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इस वोल्ट मीटर फेज वायर को एम में लाते हैं, एम में जो फेज वायर आ रहा होता है उसको ला करके एम से कनेक्ट करते हैं, एम से, ठीक है। उसके बाद फेज वायर को एम से कनेक्ट करने के बाद, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं दिखने विखने में, कोई परेशानी तो नहीं? तो सब लोग लाइक कर दो वीडियो को अगर आप अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। तो फेज वायर को लाके एम से कनेक्ट करेंगे, फिर सबसे पहला काम जो करेंगे, एम और सी को एक साथ शॉर्ट कर देते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, एम और सी टर्मिनल्स को एक तार से जोड़ देते हैं, एम और सी टर्मिनल्स को एक तार से डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट जोड़। लिखते रहो उस बात को, कहीं कहीं भी अगर आपके पास मौका हो तो लिख लो, क्योंकि ये सब आपको कहीं और सीखना नहीं मिलेगा। तो पहले फेज वायर एम में कनेक्ट करते हैं, फिर एम को और सी को एक साथ शॉर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद कर दिया शॉर्ट, इतना काम समझ में आ गया। उसके बाद ये जो न्यूट्रल वायर है ये बी को दे देते हैं, बी को, जो बी वाली डिवाइस है उसको हम न्यूट्रल वायर देते हैं, जो बी वाला टर्मिनल, बी वाला, बी जो बनाए तो वोल्टेज वाले को, उसको हम न्यूट्रल डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। और ये बची लाइन, लाइन से एक टर्मिनल आगे को निकाल दिया और ये दूसरा टर्मिनल वोल्टेज से आगे को निकाल दिया, बस निकल गए दो तार आगे को। आगे जो भी डिवाइस या कुछ और लोड लगा होगा वो इन दोनों तारों में कनेक्ट हो गए। समझ में आ गया? फंडा के लिए बहुत ही जरूरी बात थी, इसको भी दोबारा बता दूंगा लेकिन इसको अच्छे से दिमाग में छाप जरूर लेना है कि फेज वायर को पहले लेके जाएंगे मेन में, फिर मेन को और कॉमन को एक साथ शॉर्ट करेंगे, फिर न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट लेके जाएंगे बी में वोल्टेज में, फिर वोल्टेज से एक तार आगे वाले सर्किट के लिए निकाल देंगे और एक निकाल देंगे लाइन एल वाले टर्मिनल से निकाल देंगे आगे के लिए। तो पी वाले, पी यानी कि फेज वायर को एम में लेके गए, एम को और सी को आपस में शॉर्ट किया, फिर न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट बी में कनेक्ट किया और एल से डायरेक्ट एक तार निकाला और एक तार एन बी से निकाला दोनों। तो एक तार निकला एल से आगे के लिए और एक तार निकला बी से आगे के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, देखिए। तो एक तार निकलेगा यहां से आगे के लिए, यहां से, और एक तार निकलेगा यहां से। तो ये दोनों तार आगे, कोई भी डिवाइस इन दोनों तारों से कनेक्ट हो सकती है, कोई भी डिवाइस। समझ में आ गई बात? कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ, लेकिन इसको कनेक्ट करना जरूर सीख जाना। इसको कनेक्ट करना नहीं आया तो समझ लेना आपकी पढ़ाई गई बेकार, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनल ईयर के लोगों में से भी कम से कम आधे से ज़्यादा लोगों को ये वोल्ट मीटर सर्किट में कनेक्ट करने नहीं आते और वो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा करके जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसी नौबत मत आने देना, और हमेशा करके निकल जाते हैं। अपने सीनियर से पूछ लिया, अपने घर में, आपके घर में कोई बड़ा हो पड़ा उससे पूछ लेना। तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करना आ गया हो तो हम आगे बढ़ें। फिर वोल्ट मीटर कनेक्ट करना सीख गए सर्किट में, अरे देखो यार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, बात करना ध्यान से सुन लो, ठीक है। देखो ये है हमारे पास एक एम, एल, सी और बी, ये चार टर्मिनल है। दरअसल अगर कोई वाइट पेज होता है ना तो वाइट पेज पे ज़्यादा अच्छे से समझा पाता है, लेकिन वाइट पेज है नहीं यहाँ कहीं, कुछ ना कुछ हर एक पेज पर बना हुआ है। ये देखो ये सही है, ये देखो आप दिख रहा है, ये सर्किट में किया हुआ है। लोड में कोई बाहरी वायर क्यों नहीं लगाते हैं? लोड में हम कोई भी बाहरी वायर क्यों लगाएंगे? लोड सिंगल फेज लोड है, अगर तो दो वायर निकल तो गए, ये वाले दोनों वायर लोड को कनेक्ट करेंगे, सीधी सी बात है। देखो ये आपके सामने कनेक्टेड, बिल्कुल सिंपल सिंपल फंडा, आप बिल्कुल इसको देख लो, जा सबसे बड़े तरीके है। ये है टर्मिनल एम, ये है एल, ये है सी और ये है बी। ये है देखो फेज का वायर और ये है न्यूट्रल का वायर, ठीक है। ये है फेज वाला वायर और ये है आपका न्यूट्रल वाला वायर। तो अब क्या है इसमें, देखो फेज वाले वायर से एम एम आया, एम में आया, एम को और सी को शॉर्ट किया गया है,
आप इसको देख सकते हो कि फेज वाले से एम में आया और एम को और सी को शॉर्ट किया गया, एम और सी को शॉर्ट कर दिया गया। तो एम एम को और सी को शॉर्ट कर दिया गया आपस में। उसके बाद एल से देखो, एल एल से तार निकाल के लोड की, एल से तार निकाल के लोड को दे दिया, और बी से निकाल के ये गया न्यूट्रल वाला दिया बी को, और बी से ही तार चला गया फिर लोड को। तो जो मैंने बताया था वही है जैसे पहले बताया था। तो चार टर्मिनल होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, चाहे एम यहाँ लिखा हो, एल यहाँ लिखा हो, सी यहाँ लिखा हो और बी यहाँ लिखा हो, लेकिन करना आपको यही है कि ऑलवेज आपको करना वही है, चाहे कोई टर्मिनल कहीं भी लिखा हो। जैसे मैं अगर अलग अलग मैं यहाँ लिख देता हूँ एम, यहाँ लिख देता हूँ सी, यहाँ लिख देता हूँ एल और यहाँ लिख देता हूँ बी, तो आपको चेंज कुछ नहीं करना है, आपको तो एम से सी शॉर्ट करना है और हमेशा मेन फेस का वायर मेन लाइन में लाना है, बी में न्यूट्रल वायर लाना है और एल से आगे ले जाना और बी से आगे ले जाना। कोई कहीं भी लिखा हो लेकिन आपको करना यही प्रोसेस है कि एम को और सी को शॉर्ट कर दो, एल से आगे आउटपुट ले जाओ, बी से आउटपुट ले जाओ और बी में न्यूट्रल लगा दो और एम में लगा दो फेज वायर या पॉजिटिव। समझ में आ गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी पूछ सकते हो, वरना आज के लिए क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी आपको पढ़ाएंगे कल, हम वोल्टमीटर के टाइप्स इन डिटेल में पढ़ाएंगे कल। बता दो वोल्टमीटर कैसा होता है, देखने में समझ में आ गया? वोल्टमीटर क्या काम करता है ये समझ में आ गया? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर समझ में आए हैं? आज सीटी और पीटी दोनों में से चार तीन टॉपिक पढ़ाए हैं, तीनों में से किसी में भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन समझ में जरूर आना चाहिए। और इन तीनों टॉपिक के ऊपर कम से कम 5-6 लेकर 6 क्वेश्चन सब मुझे सेंड करना, ठीक है, मल्टीपल चॉइस बना करके। चलिए, अब मिलेंगे कल 11 बजे, तब तक के लिए आप मस्त रहो, पढ़ते रहो और देखते रहो हमारा चैनल पॉलिटेक्निक।